जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर एंड आपका लाडला लाला अल्लाह रखा कुरैशी हाजिर है द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड समय ग्रासी वस्त्रने वमीरा दुनिया का खूबसूरत मुल्क रशिया से। तो दोस्तों आज हम आपके साथ लेके आए वीडियो मालूमती बिजनेस के बारे में, क्योंकि आप कमेंट करते हैं यार लड़कियां दिखाते रहते हो, कोई हमें कारोबार के बारे में बताया करो। तो लाला जी ना आज आपके लिए स्पेशल इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ। ये है क्रोको सिटी, ठीक है, क्रोको सिटी हॉल। यहाँ पे आज जो ना फेस्टिवल लगा है इंडियन पाकिस्तानी और इंटरनेशनल, बहुत दुनिया के जो ना मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ बिजनेसमैन आए हैं, बिजनेसमैन आए हैं और वो अपने कोई फ्रूट शो कर रहे हैं, पाकिस्तानी मैंगो, पाकिस्तानी ऑरेंज, ये चीजें हर किस्म की वैरायटी, हर किस्म की अपने अपने जो ना क्वालिटी, अपनी कंट्री को जो ना चीजें लगा रहे हैं। यहाँ अंदर जाके उनसे पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कोई पाकिस्तानी फैमिली सुने आई है जी, काफी एक दो फैमिली आई हैं जो चीजें यहाँ लगा रही हैं, और इंडियन काफी हैं, इंडियन है, उनसे जाके पूछते हैं बिजनेस का क्या हालात है रशिया में और कैसे आप आए हैं, बिजनेस के लिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करके मैसेज कर लिया करें। कोई भी आपने पैसे पूछना हो तो मुझे सलाम करके एक ही मैसेज में आप मैसेज सेंड कर दे करें, मैं फारग होकर जवाब जरूर देता हूँ सबको। लाला जी इनको बोले सब्सक्राइब भी कर लें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें जी यूट्यूब को, ठीक है जी, और इंस्टाग्राम पे भी जाके और टिकटॉक पे भी जाके, ठीक है जी, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। लो जी अभी अंदर जा रहे हैं हम, ठीक है जी। ये कार्ड बनाया है लाला जी, अपना कार्ड दिखा दें जरा, ये राशन कार्ड। चलो जी, चलो लाला जी आप आगे चलें, अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं किस किस कंट्री के क्या क्या आइटमें लगी हैं, ठीक है जी। लाला जी पता लग जाएगा जी, लाला जी तुझे पूरे ट्रेन हो गए हो। लो जी अंदर आ गए हम, ये है क्रोको सिटी। यहाँ इंटरनेशनल जो ना फेस्टिवल खानों के और कोई भी आपकी किसी भी कंट्री के आइटम्स हैं, सर्जिकल वगैरह, यहाँ दुनिया के बिजनेस मैन है। ये मेरे खाने में जो ना इंडियन है, ठीक है जी, ये इंडियन फेस्टिवल लगा हुआ है, ठीक है जी। चलो सर्जिकल का नहीं लेकिन दूसरा तो है ना कोई भी, ठीक है जी। ये जो बिजनेसमैन है वो पहले ही ऑनलाइन ना अपना स्टॉल बुक करा लेते हैं, ठीक है जी, और उनको स्पेशल वीजा मिलता है, ठीक है जी। अली कितने इधर पाकिस्तानी दिखाएं, कहाँ जा रहे हैं पाकिस्तानी। चलो जी अभी पाबंदियां लगने के बावजूद भी रशिया में देखे इंटरनेशनल लोग आए हैं, ठीक है जी, अपने अपनी आइटम लेके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। यू फ्रॉम इजिप्ट? हाँ फ्रॉम अजीब। हाँ अभी पाबंदियों के बावजूद लाला जी अभी पाबंदियां लगी रशिया पे, लगी फिर भी देखे हैं, क्या बात है, क्या बात है। ये मैं कह जापान या कोरिया है। हाँ फ्रॉम चाइना, चाइना, हाँ ये चाइना की जो ना चाइना, वेरी गुड, चाइना की कॉफी कुफी चाय चुई नो लगाई है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। से एक्सक्यूज मी, यू फ्रॉम, फ्रॉम चाइना? हाँ फ्रॉम चाइना, चाइना की आइटम, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लाला को चाइनीज भी आती है लाला जी, चेंगी जी, हाँ चाइनीज जी, चाइना का लहसुन, ये रशियन है साथ में, चाइना चाइना चाइना, लो जी चाइना हर तरफ छाया होगा, चाइनीज टी, पाकिस्तान, लो जी चाइना छाया होगा। ये है किस कंट्री, एक्सक्यूज मी फ्रॉम, फ्रॉम इजिप्ट, लो जी ये इजिप्ट का। लो जी लो जी पूरी दुनिया के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ, पूरी दुनिया के, और कह रहे हैं रशिया में पाबंदी लगी हुई है, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी फ्रॉम, फ्रॉम चाइना, चाइना चाइना हर तरफ छाया होगा अभी, चाइना 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 चाइना
चाइना चाइना देखिए चाइना हर तरफ छाया हुआ है चाइना। एक्सक्यूज मी फ्रॉम फ्रॉम ईरान हाँ ईरान 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 आवर ब्रदर ईरान ये कि पाकिस्तान पाकिस्तान ये ईरान की आइटम है ये ठीक है जी। एक्सक्यूज मी फ्रॉम रशिया हाँ टूनिसिया लो ये टूनिस का है टूनिस लाला जी चेक कर लो ट्राई कर लो शराब अच्छा करो पी के आयो। एक्सक्यूज मी फ्रॉम फ्रॉम टूनिसिया लो जी ये टूनिसिया टूनिस टूनिस है किधर जी। एक्सक्यूज मी फ्रॉम फ्रॉम टूनिस ये भी टूनिस की है ठीक है लाला जी ये खजूरे खा ली टूनिस की है लड़की टूनिस की नहीं है अच्छा हाँ जी अच्छा ये इंडियन है हेलो फ्रॉम इंडिया ओ लो जी इंडिया का भी स्टार लगा हुआ यहाँ पे फ्रॉम इंडिया इंडिया ये सारे स्टार जो है इंडिया के लगे हुए हैं ठीक है जी इंडिया के एटमी है सारे ठीक है ठीक है ये भी इंडिया के है चावल भी फ्रॉम इंडिया यस ये भी इंडिया के चावल है नमस्ते भैया ये इस लाइन में सब इंडिया के सब इंडिया के फ्रॉम इंडिया यस इज इंडिया ये भी इंडिया के यू आर ब्लॉगर कोशिश नहीं माई पता जी ये भी इंडिया का जी बस इज इंडिया था ये भी इंडिया का नहीं प्रोसेस ऐसे नहीं माई वीडियो प्रोसेस उसका जी ये भी इंडिया का जी ये पूरी लाइन ही इस तरफ इंडिया की है ठीक है जी ये पूरी लाइन इंडिया की लगी हुई है ये भी इंडिया का ये पूरी लाइन ही देखा इस तरफ ही इंडिया की है और ये इसमें नहीं अकुद है हाँ अफ्रीका लो जी ये अफ्रीका के आइटम भी इधर आई हुई है। अभी आपको पाकिस्तानी स्टॉल के भी लेके जाते हैं पाकिस्तानी है ही बहुत कम यार पता नहीं क्या है रशिया के साथ इनके किसी को पता नहीं है कि यहाँ बिजनेस का इसलिए ये बहुत कम है। ये तो इसी इंडिया लो भी ये भी इंडिया का है ठीक है लड़की रशियन है लेकिन ये जो आइटम है ये इंडिया की है फ्रॉम इंडिया यस ये भी इंडिया की आइटम है जी इंडिया हमारा इधर जो रशिया में छाया हुआ है इंडिया इंडिया देखें हर तरफ इंडिया कोई मुझे पाकिस्तान का स्टॉल मिल जाए यार पाकिस्तान का इसमें नहीं आज कुछ आया था अजरबैजान यो जी आवरा ब्रदर उनस ब्रात अजरबैजान ये भी इंडिया का सब इंडिया के इधर रशिया द मोस्ट बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर बिजनेस फॉर ट्रैवलिंग ब्यूटीफुल पीपल ब्यूटीफुल प्लेस इज़ फ्रॉम 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 रशिया ये तो रशिया लुबिमा स्त्राना ये रशिया के आइटम है और ये मास्को की आइटम है ये दिखा रही है कैसे पैकिंग बन रही है वो पाकिस्तानी स्टार भी यार अजरबैजान ये देखें अजरबैजान ये मेरे ख्याल में लाला जी को पसंद आ गया पाकिस्तानी स्टॉल नहीं फिलहाल मिल रहा कोई
बिजनेस की बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी है रशिया में मेरे भाई, जितना झूठ बोले उतना काम है, इतनी फैसिलिटी है रशिया में, ठीक है। लेकिन जॉब जुब का मेरे भाई आप पैसे अपने मत जाया करना, क्योंकि जॉब देखो ना जबान नहीं आती, कैसे जॉब करोगे, क्या करोगे, ठीक है ना। बिजनेस तो आप किसी को साथ में ट्रांसलेट कर लेके कोई बंदा जो रशियन जबान जा रहा है कर सकते हो। हाय पाकिस्तान, किधर किधर, इधर, हाँ 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 हाँ, ये पाकिस्तानी, ये देखें जी, ये पाकिस्तानी, ठीक है जी, ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी, ये देखें जी, ये एक स्टॉल मिल गया हमें पाकिस्तान का, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल एक और पाकिस्तान का है, नहीं ये पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का लाला, ये की स्टॉल है, कर पाकिस्तान, ये सामने पाकिस्तान के, ये वही पाकिस्तान का स्टाइल है, मेन क्या भी एक स्टाइल, एक जो है ना, एक पाकिस्तान का और एक वहां एक, ये दो पाकिस्तानी स्टॉल मिल गए हैं, ये देखें जी। ये पाकिस्तानी लैडम आ गई, लाला जी ट्राई करो, लाला जी ट्राई करो, फिर ट्राई करना आयो, ये जी लाला जी ट्राई करें अपने पाकिस्तानी का जो ना क्या नाम है जूस, ट्राई करो लाला जी, ये पाकिस्तानी स्टार पे गया पैसे कम थे लड़की थोड़ी जरा खूबसूरत नहीं, ये फिर मैं मोबाइल पकड़े ना ताकि मैं फिर ना अपना दाएं हाथ से पीऊं ना, ये मेरी वीडियो बनाया ना, ये जी पाकिस्तानी जो ना पी रहे हैं, ये पी रहे हो, वादा करो ना, ये पी रहे हो जूस है पाकिस्तान, जूस पी रहे हो, अगर भुलेखा पै जाना ना, नहीं वो लाला जी कभी लाइफ में हाथ ही लगाया, मैं पता पूरे मुसलमान, ये पाकिस्तानी जूस ट्राई करिया तो मैं साल बाद, एक साल बाद, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आपका नाम, आप पाकिस्तान किस सिटी से हैं, पाकिस्तान किस सिटी से, लाहौर से, अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम आया आप, फर्स्ट टाइम, कैसा लगा आपको रशिया, अच्छा लगा रशिया, रशिया है ही अच्छा, अल्लाह आपको कामयाब करे जी, हमारे दोनों आपके साथ हैं, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान यहाँ आए, बिजनेस के बहुत बड़े मौके हैं यहाँ रशिया में, लोगों को पता ही नहीं है, यकीन करें लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना जी, देखना इंडिया हर तरफ इंडिया, अगर इंडिया कुछ मिल रहा है तो इंडिया इतना ज्यादा इधर है ना, पाकिस्तान इधर रुझान नहीं कर रहे, ठीक है जी। नहीं जी पाकिस्तानी एक दो स्टॉल मिल गए हैं, ठीक है जी, मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान, हाँ ये भी पाकिस्तानी, एक्सक्यूज मी सर पाकिस्तान, लो जी एक और पाकिस्तान का मिल गया स्टॉल जी, ये देखें जी, ये पाकिस्तान के ऐप में टमाटो के, अच्छा अपना, ठीक है जी, मेट्रो सुपर मार्केट का भी, ये जी अपने पाकिस्तान की ऐप है। सर पाकिस्तान किस जगह से आप, पाकिस्तान कराची से हैं, फर्स्ट टाइम आए रशिया, ठीक है सर, कैसा लगा आपको रशिया, फर्स्ट क्लास है ना, आप वो जो बिजनेस करना चाहते हैं रशिया साहब को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मैं यहाँ साथ साथ रह रहा हूँ रशिया में, और मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को दिखाना कि रशिया आए आप, रशिया आके बिजनेस करें, क्योंकि इंडिया देखना हर तरफ इंडिया छाया होगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस के बहुत ज्यादा मौके हैं, बस एक बार जो ना बंदा इधर आए देखे, रशिया मेरे ख्याल में द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो ना बिजनेस के लिहाज से, तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा रशिया, लोग भी अच्छे हैं, ठीक है ना, बस अल्लाह आपको सर कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं कि हम हर तरफ पाकिस्तानी स्टॉल ही देखें एक वक्त आए, ठीक है जी, ये जी अपनी पाकिस्तानी आइटम, ठीक है जी, पाकिस्तान, ये जी शहद है किस कंट्री का, नहीं जैम सॉरी, अतकुदा इतना रशिया था, हाँ ये रशियन जैम है जी, रशियन जैम बस जाए रूस की जैम, यल्लू ब्लू,
लो जी तीन दुकानें हैं, स्टॉल हैं पाकिस्तानी आगे पीछे, ठीक है जी। दुआ है कि अल्लाह इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिले इधर से और ये दोबारा आए रशिया में, साथ में और भी अपने को 7-8 बिजनेसमैन लेके आए, ठीक है जी। क्यों लाला जी, दुआ करें कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिले कि ये दोबारा भी आए, दोबारा भी और साथ में और भी बिजनेसमैन आए। जैसे पूरी गली है ना इंडियन की, एक वक्त आए इंशाल्लाह कि ऐसे ही पूरी गली में पाकिस्तान के स्टॉल हों, ठीक है जी। पाकिस्तानी और रशिया की जो ना दोस्ती बढ़े, लोग यहाँ आए जाए। हमारा मकसद लाला जी वीडियो बनाने का दिखाने का क्या है, यही कि लोग रशिया में आए, रशिया में बिजनेस करें। रशिया सेंट पीटर्सबर्ग, लो ये रशिया के आइटम है सेंट पीटर्सबर्ग शहर की, ठीक है। चकलेट लाला जी चेक करनी, पहले नहीं चेक करने, ओ करो होता। ये रशिया के आइटम है जी। नो आने चलो नहीं पनीमाश तो हिंदी की पाकिस्तानी लोग इसमत रही जी। ये एक और पाकिस्तानी स्टॉल मिल गया, ठीक है जी। ये देखें जी, ये पाकिस्तान की ऐप में, शुक्र है हमारा पाकिस्तान भी जो ना रशिया के साथ अटैचमेंट शुरू कर रहा है, अल्लाह कामयाब करे। दरअसल विच ये तो पाकिस्तान सीधा हाँ करो था। लो जी ये पाकिस्तानी स्टॉल है, अकीदे खजाइन फीचर्स। हाँ पहुंच जाएगा वो जो मालक है स्टॉल का पाकिस्तानी, वो लाला जी इधर नहीं है, वो कहीं गया, वो कहती है एक घंटे तक आप आओ। उसे भी पूछ रहे थे कैसा लगा रशिया, हमारा तो काम है ना पूछना कैसा लगा रशिया जी, ठीक है ना। हाँ नहीं हाँ दोबारा आ जाते हैं एक घंटे बाद, ठीक है ना। ये आपको मैं एक चीज और दिखाऊं, ये रशिया की कोई आइटम लेके घूम रही है। पजालुस्ता पजालुस्ता मोशना 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 एथ तू किता तो कुतर कला मा था। हाँ अत कुता है तो इस रशिया था तो जी। ये रशिया की आइटम है, रशिया की चॉकलेट है, ठीक है जी। जैसे रशिया की जो है ना लोग खूबसूरत हैं, ऐसे इनकी चीजें भी, इनके जो फूड है, इनके खाने भी मजेदार हैं, ठीक है जी। स्पेसिफा थैंक यू सो मच। ये देखें जी ये पूरे स्टॉल जो ना एंड तक इंडिया के स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये एक पाकिस्तान का स्टॉल है, ये रशियन लड़की साथ में रखी हुई है उन्होंने ना बताने के लिए, सिखाने के लिए। और ये अपने पाकिस्तानी स्टॉल है, अभी ये पता नहीं पाकिस्तानी भाई हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान से। फर्स्ट टाइम आए आप? नहीं इधर ही आप होते हैं? नहीं हाँ फर्स्ट टाइम नहीं आया लेकिन इधर नहीं हूँ। नो आपको रशिया कैसा लगा? रशिया बस मैं थोड़ा यूट्यूब के लिए ना, अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, तो आपको रशिया कैसा लगा है? आपको कितना चक्कर है इधर, कौन सा पहली बार, सेकंड टाइम, थर्ड बार, दूसरी दफे, कैसा आपको रशिया आपको लगा है? रशिया के लोग और बिजनेस के बारे में, बिजनेस रिस्पॉन्स ठीक है? बस यही है, मैं तो कहता हूँ अपने पक्षों को कि यहाँ आए बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ इंडिया इतना फैला हुआ, हर तरफ इंडिया है, हमारे पक्षों को आना चाहिए, बाहर निकले। बिल्कुल यही बात है ना, यकीन करें। बस हम तो कहते हैं पाकिस्तान को रशिया के रिलेशन ठीक हो, यहाँ बहुत फैसिलिटी है बिजनेस की, बहुत कंट्री है ऐसे ही। ये कराची से है, कराची से खाली खुलाई, ठीक है जी। ये सेकंड टाइम आ रहे हैं, ठीक है जी। ये दूसरा साल है इनका। जी ये ब्राजील का स्टॉल है, ब्राजील का, ये ब्राजील का स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है जी। ब्राजील अच्छा हलाल है, आराम। ये ब्राजील का स्टॉल है जी, ठीक है जी। इसी नहीं पहुंचा अज कुछ फ्रॉम थाईलैंड, लव यू थाईलैंड। ये जी थाईलैंड का है, ये थाईलैंड का है, थाईलैंड थाईलैंड। सॉरी ये अपने पाकिस्तानी ये भैया सिस्टर से टक्कर हो गई है, तो सॉरी बोलने से पता चल गया। ये तुर्कश
ये भी तुर्कश, ये तुर्कश, ये तुर्कश, ये तुर्कश, ये तुर्कश स्टाल है जी। ये तुर्कश, ठीक है जी, ये तुर्कश हो रहा है, तुर्कश, तुर्कश का फ्रूट है जी, लेमन, ऑरेंज, तुर्कश के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये जी अपने पाकिस्तानी भाई तकरीबन ये छठे या सातवें पाकिस्तान जी मुझे मिले हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान नागरा है। इरफान नागरा भाई, आपने यहाँ कुछ स्टॉल लगाया या वैसे आप कोई चीज खरीदनी है या पाकिस्तान की? मैंने स्टॉल तो नहीं लगाया है, पाकिस्तान में हमारी अपनी कंपनी है, रिसेंटली हमने स्टार्ट की है। अच्छा, किन्नो की प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगाया, माल्टे की। हाँ, माल्टे की, ठीक हो गया। तो उसके सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो किस्मत में होगा, जो अल्लाह। आप रशिया में रहते हैं ना? जी जी, मैं रशियन सिटीजन। तो ये क्या वजह थोड़ा बताएं कि इंडियन हर जगह मैं देख रहा हूँ उनके स्टॉल लगे हुए हैं, इंडियन बहुत ज्यादा हैं और पाकिस्तानी के मैं चौथा स्टॉल है ये। पता है क्या, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करे। सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि जितने ये स्टॉल लगे हैं तो हमें भी होता है एहसास कि जैसे इंडिया ने यहाँ पे तकरीबन 30 स्टॉल उनके लगे हुए हैं। और 30? जी जी जी, इंडिया के 30 स्टॉल। तो हमारे पाकिस्तानियों के सिर्फ 4 स्टॉल लगे और इनके इवन के जो इनका माल इन्होंने बुक करवाया था अपने स्टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको वो माल भी नहीं मिला। अच्छा, माल भी नहीं मिला इधर आया। हाँ, तो इसलिए इनकी मार्केट भी डाउन है। तो अल्लाह करे कि ये भी लोग बड़ी मेहनत करके इधर आए, अपने मुल्क का नाम रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इनको भी मौका मिले और इनको रिस्पांस अच्छा मिले। मैं वही देखे चुकी, बड़ी खुशी हुई है। पाकिस्तानी जो ना 3-4 स्टॉल है, तो मुझे मैं कसम से कहता हूँ कि एक वक्त आया कि हर जगह पाकिस्तानी को स्टॉल जैसे इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, एक और अभी चावलों का यहाँ स्टॉल, क्योंकि चावल तो पाकिस्तान के बड़े मशहूर है, यहाँ आते हैं, चावलों का कोई स्टॉल नहीं है। हमारे लोग जो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, इंडिया ने अभी अपने चावलों के लिए बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पे बनाई हुई है। हाँ, हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चावल जो है वो नंबर वन पे है, और कोई बंदा भी रिप्रेजेंट करने के लिए चावल हमारे यहाँ। देखो ना, लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस चीज को सीरियस ले, रशिया के साथ एहसास करे, ऐसी फैसिलिटीज निकाले कि हम लोग जो है अच्छे से काम कर सके, क्योंकि रशिया के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी है। और हमें चाहिए, ये तो सारा डिपेंड है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर हमारी बॉन्डिंग को इनके साथ अटैच करती है। इंडिया जो है, इंडिया एक बूस्ट इकोनॉमी है, वो भी इकोनॉमी बूस्ट हुई है उनकी रशिया के साथ अटैचमेंट के लिए। तो हमें भी चाहिए इस चीज को फोकस, ये बड़ी ओपन मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है, और हमें चाहिए इस चीज पे फोकस करना। रशिया में आए और अपने कारोबार को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। जी हो गया जी, एक और पाकिस्तानी आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम सर आपका? दाऊद। अच्छा दाऊद भाई, आप बताएं, पाकिस्तान का यहाँ स्टॉल लगी है, पाकिस्तान को बिजनेसमैन को यहाँ आके बिजनेस करना चाहिए, कैसी कंट्री है रशिया? लेकिन पाबंदियां लगने के बावजूद देखे कितनी कंट्री यहाँ स्टॉल लगी हुई है, कितने लोग यहाँ आए हुए हैं। हाँ, और इंडिया का देखे, इंडिया का हर तरफ है, इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंडिया का, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, ये वजह। अल्लाह करे, वो भी करे, अच्छी की गवर्नमेंट आए, सपोर्ट करे। और पाकिस्तान के पहले लगते थे, आज से 5-6 साल पहले काफी स्टॉल वगैरह थे, लेकिन जब से ये थोड़ा सा मसला बना है, हमारे पास पाकिस्तान की सारी चीजें, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें हैं पाकिस्तान में। जैसे स्पोर्ट का माल है, सर्जिकल का चावल, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना आलू भी आते थे पाकिस्तान से ना, यहाँ पे सबसे अच्छा आलू जो है, टेस्टफुल जो है, वो पाकिस्तान का। और माल्टा भी जो है वो इतना कास्टली भी नहीं है, इधर दूसरे मुल्कों का मुकाबला भी करता है, और टेस्ट भी अच्छा है, और रेट भी कम है। अच्छा, अगर आप कोई पाकिस्तान से जो बिजनेसमैन यहाँ आके बिजनेस करते हैं, उनको कोई मशवरा, कोई उनको बताना चाहें? ये इधर आए, अपनी किस्मत आजमाएं। ये रशिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। जैसा कि अभी ये देख ले, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग का मसला बना हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने अपना जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है वो युआन चाइनीज करेंसी में कर दिया है। तो इसी चीज से ये चीज साबित हो जाती है कि रशिया एक खुद पहले भी सुपर पावर था, और आज भी सुपर पावर है, आने वाले वक्तों में भी ये सुपर पावर ऐसे है। इसको खुदा के सवा कोई नहीं गिरा सकता, बेशक क्योंकि ये लोग अच्छे हैं, मेहनती लोग हैं। तो मैं बिजनेसमैनों को यही कहूंगा कि आए
अपना मिशन हो अपने पाकिस्तान के प्रोटेक्टर उनको यहाँ जो है ना अपना प्रमोट करें। स्पेशली गुजारिश है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हेल्प करे कि बराए मेहरबानी पहले किसान जो हमारे मुल्क है वो किसी काम का नहीं रहा, वो भी बेचारा मर रहा है बिल्कुल, और उनको सपोर्ट करनी क्योंकि गवर्नमेंट की वैसे देखना वीजों की भी सख्ती हुई है, रिलेशनशिप अच्छे होंगे गवर्नमेंट के तो वीजे थोड़े इजी होंगे, अभी इंडिया के देखो इन्होंने ई वीजा कर दिया है, बिल्कुल ना पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ एहसास करे क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पाकिस्तान को चाहिए उस कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे करे जिसकी इकोनॉमी जो ना जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जाए, आने वाले वक्तों की ये बूस्ट इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो इंशाल्लाह हम लोग रशियन भी हैं, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में दो जगह है, दो एक जगह पाकिस्तान एक रशिया, ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद और रशिया जिंदाबाद, ठीक हो गया। ये चार स्टॉल लगे हैं, एक ये एक इधर एक उस तरफ, ये चार स्टॉल पाकिस्तानी के हैं, सिर्फ चार स्टॉल, इंडियन देखे ना, इंडियन तो छाया हुआ था, इंडिया सिर्फ क्या है कि इनकी गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो रशिया के साथ जो ना अच्छे रिलेशनशिप रख रही है, तो इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, और हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है खुदा के वास्ते, ये लड़ाई झगड़े छोड़ें, ये तू नहीं तो मैं नहीं तो तुम ही नहीं, ये छोड़ें, ठीक है, अपने मुल्क हालात देखें, मुल्क ऊपर लेके जाएं, ठीक है, अपने मुल्क के जो ना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ये चीजें छोड़ दें। हाँ, ये मैंगो जी, तुर्की का मैंगो, तुर्की का आम, ठीक है जी, इस तुर्सिया था ये तुर्की का, काश यार अगर हमारा पाकिस्तान यहाँ मैंगो होते, इतने टेस्टी मैंगो हैं पाकिस्तान के, ठीक है, काश बस ये दुआ हमारी कि यकीन करें पाकिस्तान के रिलेशनशिप रशिया के साथ अच्छे हो जाएंगे, और यकीन करें अगर रिलेशनशिप रशिया के साथ बन के पाकिस्तान के तो इकोनॉमी दिनों में ऊपर जाएगी, दिनों में, ठीक है, बस ये अल्लाह करे जो हमारा मुल्क जो चला रहा है ना इस टाइम अल्लाह के बाद, उसको ख्वाब आ जाए और वो समझ जाए कि मैंने दुनिया छोड़नी है, बस रशिया के साथ अटैचमेंट करनी है, ठीक है, तो फिर देखिए हमारा मुल्क इंशाल्लाह कैसे ऊपर जाता है। अभी पहली बात तो ये समझ नहीं आ रही मुल्क हमारा चला कौन रहा है, ये नहीं पता चल रहा, इनके अपने लड़ाई झगड़े खत्म होते तो मुल्क ने क्या करना है, मुल्क जाए बाढ़ में, इनको बस अपने पड़ी हुई है कि मैं हूं या तू है या तू नहीं तो मैं नहीं, कसम से दिल बड़ा दुखी हो रहा है, इतना बड़ा जो ना इवेंट है इधर, इतना बड़ा, इतनी बड़ी एग्जीबिशन है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ चार स्टॉल है और इंडिया के 36 या 36, वो भाई बोल रहे थे 30 स्टॉल है, ठीक है ना,